वरिष्ठ अध्यापकों ने दिया धरना, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पदोन्नति की मांग को लेकर लंबे समय से कर रहे आंदोलन। राजस्थान पैते वेतन वरिष्ठ अध्यापक संघ के अध्यापकों ने धरना दिया। अध्यापक गण लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं। पदोन्नति की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत धरना दिया गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। अध्यापकों का कहना है कि उनकी नियमित पदोन्नति नहीं होने से सरकार के नियम के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज राजस्थान पाते वेतन वरिष्ठ अध्यापक संघ 2009-10 के वरिष्ठ अध्यापकों ने सुबह 10 बजे से धरना दिया है। धरना पिछले प्रदर्शन पिछले सवा साल से लगातार चल रहा है। सरकार वसुंधरा सरकार जो है हमारी नियमित पदोन्नति की मांग जो कि 2009-10 से हम मांग रहे हैं और लगातार 9वां वर्ष चल रहा है हम लोगों को कार्य काम करते हुए, लेकिन सरकार हमारी मांगे मान नहीं रही है। हमने आज जो धरना दिया है वो इसीलिए दिया है कि जो हम मांग करते हुए आ रहे हैं सरकार हमारी मांग को माने, क्योंकि हमने लगातार क्या मांग करते हैं हम 2009-10 से सेकंड ग्रेड पर पदोन्नति की मांग करते हुए आ रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हम कह भाई हमें नियमित पदोन्नति दी जाए इस पद पर, और इसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दो दो रैलियाँ हम अजमेर में निकाल चुके हैं। सारे CM को पहले भी हमने ज्ञापन दिया था और आज भी हम कलेक्टर साहब के माध्यम से CM को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। आपका नाम दिनेश कुमार शर्मा, संयोजक राजस्थान पाते वेतन वरिष्ठ अध्यापक संघ 2009-10।